करते हैं बहराइच से खबर, जहां पर बवाल के बाद एक्शन तेज हो गया है। सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई गोलीबारी के मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया है। हरदी और महसी चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, पूरे इलाके में इस समय भी भारी पुलिस बल की तैनाती है, जो कि सीएम योगी ने अब देखिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। मूर्ति विसर्जन के दौरान जो गोलीबारी हुई है उसमें मुख्य आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने पूछताछ के लिए लोगों को हिरासत में लिया है। हरदी और महसी चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे इलाके में भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। तो देखिए इस समय आप बवाल के बाद जो अशांति का माहौल है उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस खबर पर संज्ञान ले लिया है। सारी जानकारी उन तक पहुंच चुकी है और सख्त निर्देश उन्होंने जो दिए हैं वो कार्रवाई के दिए हैं। आपको बता देते हैं कि मूर्ति विसर्जन के दौरान गोलीबारी हुई है और इस गोलीबारी के जो मुख्य आरोपी हैं उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। पुलिस पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में ले चुकी है। इस बीच आपको ये भी दे देते हैं जानकारी कि हरदी और महसी चौकी प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने सुबह की हैं। बेहद इस समय गमगीन हो रखा है माहौल। शव जो घर पहुंचा है, घर के आसपास के लोग, घर के लोग इस समय गमगीन और पूरा मोहल्ला इस समय इकट्ठा हो रखा है। तेज कार्रवाई की जा रही है, लेकिन और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए ये मांग की जा रही है घर के लोगों की तरफ से। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं बहराइच में जो बवाल हुआ है, उसके बाद हंगामा हुआ है और उसमें जो आगजनी की गई है। हर एक अपडेट न्यूज़ 18 आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। सीएम योगी तक ये जानकारी पहुंची और सीएम योगी ने इस पूरे मामले पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। माहौल किसी तरह से और ना बिगड़े, बवाल ना बढ़े, शांति व्यवस्था बरकरार रहे, जिसके लिए इस समय भी ताज़ा जो जानकारी आपको दे रहे हैं भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। लगभग 25 से 30 लोगों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और सभी जगह जहां पे डिस्टर्बेंस हुआ है स्थिति को बहुत तेजी से नियंत्रण में लाया जा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी जगह अब विसर्जन दोबारा शुरू हो गया है, पर्याप्त पुलिस बल उसके साथ लगाया गया है और हम सभी लोग मौजूद रहकर सुनिश्चित करेंगे कि कहीं पे भी किसी भी विसर्जन में कोई बाधा ना आने पाए। पुलिस द्वारा सभी जगह विस्तृत इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और सभी इस तरह के अराजक तत्वों को आइडेंटिफाई करके उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की जाएगी और ये विसर्जन समाप्त करने के बाद तत्काल हमारी जो धरपकड़ की कार्रवाई है वो आरम्भ हो जाएगी। विसर्जन के बाद जो बवाल हुआ है, हंगामा हुआ है, आगजनी हुई है, उसके बाद अब देखिए इस समय भी भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। ऋषभ मणि और जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव इस समय खबर पर मौजूद है बहराइच से। सीधे रुख करेंगे ऋषभ मणि की तरफ। ऋषभ मणि, इस समय की अपडेट आपसे लेना सबसे पहले बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पीछे हम देख सकते हैं भारी यहाँ पर लोगों की तैनाती है, लोगों का आक्रोश अभी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप ताजा अपडेट हमारे दर्शकों को बताएं सबसे पहले। ऋषभ मणि, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो देख सकते हैं आप इस समय काफी ज्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं और बहुत शोर शराबा भी हो रहा है और ऐसे में यहाँ पर इन्हीं तरह लोग जो हैं इन यहाँ पर कोई अप्रिय घटना ना घटे, ऐसे में भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है जो चौतरफा अपनी नजर बनाए हुए हैं। हमारे सहयोगी भी यहाँ से मौजूद हैं जो जानकारी देंगे और तस्वीरें इस समय की यहाँ की दिखाएंगे। लेकिन बहराइच में जो बवाल मचा हुआ है उस पर आपको एक बड़ा अपडेट दे देते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं और माहौल बिगाड़ने वाले नहीं बचेंगे, उनकी तरफ से साफ कहा गया है। बहराइच की ये घटना जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने बहराइच के महसी और इस इलाके में माहौल बिगाड़ने वाले लोगों ने जो कोशिश की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और सख्त कदम उठाने के निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उपद्रवियों की पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी ने प्रतिमा विसर्जन का बिना किसी रुकावट के जारी रहने के भी निर्देश दिए
और सीएम योगी ने लापरवाही बरतने वालों पर भी एक्शन लेने की बात कही। ऋषभमणि, और जानकारी के साथ इस समय घटनास्थल से बहराइच से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं ऋषभमणि। मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही हो तो सबसे पहले ताजा अपडेट दे दीजिए इस पूरे मामले पर। बवाल कटा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत गुस्से में हैं, बहुत सख्त निर्देश उन्होंने दिए हैं कि आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ताजा अपडेट दें ऋषभमणि। और यहाँ पर गांव वाले बहुत आक्रोशित हैं, सबके अंतिम दर्शन गांव वाले कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। तमाम लोग यहाँ पर छत पे खड़े हुए हैं, उनका आक्रोश देखा जाता है। गांव वाले बहुत नाराज हैं, पुलिस प्रशासन से उनकी नाराजगी है कि अगर पुलिस प्रशासन ने समय रहते एक्शन लिया होता तो शायद इतनी बड़ी वारदात नहीं हो पाती। जाहिर सी बात है उनके जो माता पिता हैं बहुत बुजुर्ग हैं, वो भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। मृतक के माता पिता काफी बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, वो कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं है। दादा दादा आप सरकार से क्या कहते हो, पुलिस प्रशासन से क्या बताओ, हम क्या कहते हैं कोई मालूम है। आप पुलिस प्रशासन से क्या चाहिए, आपको क्या बोलना है? न्याय चाहिए, न्याय, न्याय। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके माता पिता बहुत ही बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, कुछ बोलने में असमर्थ हैं। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि उनको न्याय चाहिए। अब पुलिस प्रशासन के अफसरों के साथ यहाँ गांव के जो लोग हैं उनकी बातचीत चल रही है। पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल होगा कि कैसे अंतिम संस्कार कराया जाए मृतक का। भारी यहाँ पर नारेबाजी, हंगामा है, बवाल है, देखना होगा पुलिस प्रशासन क्या करती है। यहाँ पर SDM मौजूद है, डिप्टी SP मौजूद है, थाने की पुलिस मौजूद है, PAC के जवान मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर लगातार नारेबाजी हो रही है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कि इसका अंतिम संस्कार कैसे शांतिपूर्ण तरीके से कराया जाए। कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर कुछ वरिष्ठ अफसरों को बुलाया जाए, वो एक पीड़ित परिवार से बातचीत करें, उनकी जो मांग है उसके बारे में कोई वो फैसला लें। हालांकि पुलिस की ओर से FIR रात में ही दर्ज कर ली गई है एक आरोपी के खिलाफ जिसके घर से फायरिंग करने की बात सामने आई थी। कई अज्ञात लोगों को भी उस FIR में रखा गया है। पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो यहाँ बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। लगातार नारेबाजी हो रही है और भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है कैसे यहाँ पर अंतिम संस्कार करवाया जाएगा मृतक का। तमाम पुलिस और प्रशासन के अफसर इस वक्त मृतक के घर पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो गांव वाले हैं उनसे चर्चा कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे मणि आप अगर अंतिम संस्कार है किसी बड़े इंसान से, किसी बुजुर्ग इंसान से बात कर सकें, क्योंकि युवा तो यहाँ पर बहुत आक्रोश में नजर आ रहे हैं जो इस समय माहौल को काफी गहमा गहमी का ही बना रहे हैं, लेकिन काफी यहाँ पर बुजुर्ग लोग भी मौजूद हैं, माता पिता काफी बूढ़े हैं, वो बोलने की स्थिति में नहीं है। अगर आप इन लोगों से चर्चा कर सकें, इनसे पूछताछ कर सकें कि माहौल कितना समय भी है, आक्रोश भी है। 25 साल के एक नौजवान की हत्या हो जाती है तो लाजमी है कि यहाँ पर उनका गुस्सा दिखाई दे। 3 भाई थे, एक की पहले मौत हो चुकी है जो सबसे बड़े थे, सबसे छोटे ये थे जिनकी कल हत्या हुई है, सिर्फ बीच वाला भाई बचा हुआ है। और ऐसा बताया जा रहा है परिवार के जो भरण पोषण और तमाम जो जिम्मेदारी थी वो यही निभाता था, तो परिवार के लिए वो सहारा चला गया है। तो जाहिर सी बात है उनके लिए आगे की ज़िंदगी काटना कैसे संभव होगा, ये भी पुलिस प्रशासन को यहाँ पर देखना होगा। धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, आसपास के गाँव के लोग भी यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो अब पुलिस प्रशासन के लिए ये चुनौती ज़रूर है कि कैसे अंतिम संस्कार करवाया जाए। और SDM यहाँ पर ऋषभमणि, ये वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जो तस्वीरें आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, भारी संख्या में यहाँ पर मोहल्ले के लोग इकट्ठा हैं, और देखिए पुलिस भी यहाँ पर शांति से किनारे में इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि लोगों का आक्रोश जायज़ है, लेकिन अंतिम संस्कार भी बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बहुत गुस्से में है इस घटना के बाद, उन्होंने भी कहा है सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जब दूसरे पक्ष की ओर से पथराव किया गया, फायरिंग की गई, तो इनके पक्ष पर ही कार्रवाई की गई। तो जाहिर सी बात है इनका आक्रोश पुलिस के ऊपर भी है। पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस ने वो कार्रवाई नहीं की, ऐसा यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। अगर पुलिस पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर तैनात होती तो शायद हालात ऐसे नहीं होते। यहाँ भी लोग मांग कर रहे हैं कि तमाम सीनियर अफसर मौके पर आएं, तभी अंतिम संस्कार होगा। हालांकि SDM डिप्टी SP मौके पर मौजूद हैं, वो लगातार परिवार से और जिम्मेदार लोगों से वार्ता कर रहे हैं। ऋषभमणि, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी। ऋषभमणि, बस ये जानना, एक और चीज चाहेंगे आपसे कि देखिए लोगों का गुस्सा बिल्कुल लाजमी है, यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रदेश के मुखिया भी गुस्से में इस घटना के बाद, उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शव के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर लोग जमा हो रहे हैं, ऊपर एक तखत जैसा रखा गया है जिसके ऊपर वो शव रखा गया है। आसपास गांव के जो लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर शव के अंतिम दर्शन करने के लिए, लेकिन तमाम आक्रोशित नौजवान हैं, परिजन हैं, गांव वाले हैं, वो भी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। उनका गम गुस्सा उनका दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर हो जाएगी कि इन हालातों में कैसे यहाँ पर अंतिम संस्कार किया जाए। हालांकि पुलिस की ओर से एफ आई आर दर्ज की गई।